हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस देखिए, आज कल सुबह की शुरुआत हमारे सिम्बा के साथ हो रही है, और कल जोया जल्दी उड़ गई थी और आज हैदर उड़ गए हैं। तो दोनों सिम्बा की वजह से जल्दी उड़ जाते हैं। तो सिम्बा है भूखे, तो सिम्बा को दूध पिलाया जा रहा है, और सिम्बा है नहीं, सिंधी है, ये बिल्ली है, लेकिन हमने इनका नाम सिम्बा ही रख दिया है। तो गाइज हैदर अब इनको दूध पिला रहे हैं, और जोया भी अब थोड़ी देर में उठ ही जाएंगी। जब हैदर उड़ गए हैं तो जोया भी उठ जाएंगी। तो देखिए, सिम्बा दूध पी रहे हैं, सिम्बा के दूध का बर्तन भी मैंने बना दिया अलग, और अब तो सिम्बा बहुत एक्टिव हो गए हैं। जोया हैदर के दोस्त बन गए हैं, इन लोग साथ पीछे पीछे घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं इन लोगों के साथ, और मुझसे तो मम्मी टाइप का ही डरते हैं ये। मैंने इनको डरा के रखा है, जैसे बच्चे हंसते हैं, कहते हैं जैसे मम्मा से सब डरते हैं, ऐसे ही सिम्बा भी डरता है तो मुझसे सभी के सब डरते हैं। तो मेरा बात वही है कि आप नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से चलिए, रूल इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो जोया भी उठ गई है, जोया सिम्बा के साथ खेल रही है, लेकिन अभी सिम्बा दूध दूध पी के आलस दिखा रहे हैं, तो उनका खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। वो कह रहा है मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तुम दौड़ो कुछ भी करो, मैं तो बस आराम से बैठा हूँ। सिम्बा दूध पी के आराम से बैठे हुए हैं। तो ये तो मेरी बहन का बेटा भी कहता है कि खाला के घर में खाला के रूल चलते हैं, उनके रूल में अगर हंसना भी हो तो सोच समझ के हंसना पड़ता है। तो ये मेरे बेटू कहते हैं, तो वाकई में अब इतनी सख्त भी नहीं है जितना बेटू ने बताया है, लेकिन हाँ रूल है तो रूल है, और वो रूल सिम्बा को भी फॉलो करना पड़ेंगे। मेरे रूल सिम्बा फॉलो नहीं करेंगे तो सिम्बा को परेशानी आ जाएगी, सिम्बा की बहुत डांट पड़ेगी, तो इसलिए सिम्बा को भी मेरे रूल फॉलो करना पड़ेंगे। तो ये देखिए, ये हो रही है दोपहर, और दोपहर में देखिए काली घटा आ गई है और बारिश हो रही है काली घटा के साथ, और बच्चे लेटे हैं आराम कर रहे हैं। और अब जब बारिश आ रही है तो अब इन लोगों को आया सिम्बा का होश, सिम्बा कहीं भीग तो नहीं रहा है, तो ये लोग सिम्बा के पास रहे हैं। सिम्बा बाहर है तो सिम्बा भीग नहीं रहा है, सिम्बा आराम से है। तो गाइज अब हो गई है शाम, और बारिश दोपहर से लगातार हो रही है, मैं भी लेट ली, सो ली, आराम कर लिया, और बराबर बारिश हो रही है। तो अब मेरी तैयारी हो रही है रोटी बनाने की। तो गाइज हाउस वाइफ की लाइफ आसान नहीं होती है, हाउस वाइफ का तो वही डेली रूटीन है, हाउस वाइफ का डेली रूटीन तो आप जानते ही हैं क्या होता है। हाउस वाइफ रूटीन तो बस वही है कि हाउस वाइफ का हो या मम्मा का हो, माँ का हो, कुछ भी कहो, इन सबका एक ही काम है, सुबह से लेकर शाम तक अपना घर संभालना, और पूरा घर ही हाउस वाइफ से ही होता है और ये संभलता है पूरा। सब बेफिक्र रहते हैं, सब बेफिक्र रहते हैं, सबसे ज्यादा हस्बैंड फ्री हो जाते हैं, मतलब वो फ्री हो के अपना काम कर लेते हैं। अगर वही घर में उलझे रहें तो फिर हस्बैंड कहाँ से काम करेंगे, उनको दिक्कत पैदा हो जाएगी घर संभालें कि अपना काम करें। तो कुदरत ने जो भी नियम बनाए, जो चीज बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। हाउस वाइफ अपना घर देखे और हस्बैंड अपना काम देखे। तो गाइज मैं आ गई हूँ, और आज हो गई हूँ बहुत लेट। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं आज। कल 2 दिन आई थिंक, कल हल्की सी सुबह बूंदाबांदी हुई थी और बारिश नहीं हुई है 2 दिन से, तो आज बारिश हुई है दोपहर से, और अच्छा है हो गई। बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था गाइज, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, तो फिर मैं आज सो भी गई। मेरे सर में बहुत ज्यादा कल रात से ही दर्द था, पहले ये दर्द था, उसके बाद फिर ये दर्द। तो गाइज मैं हो गई लेट, और अब मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी के साथ मैं बनाऊंगी अंडा, अंडा फ्राई करूंगी। तो मैंने सोचा कि रोटी बना लूं, आपसे थोड़ी बहुत बात भी कर लूं। तो अभी अभी मैंने देखा कि जोया के पापा आ गए हैं, तो अभी मैं जाऊंगी तो उनका बिस्तर भी लगाऊंगी। और आज आटा हो गया है मुझसे गूंथने में पतला, तो रोटी बनाने में आने वाली है मुझे दिक्कत। तो गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी के बाद जल्दी से अंडा फ्राई करूंगी। और आज ही मैंने अभी तक कपड़े नहीं लगाए, लेकिन कपड़े मैं लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट बराबर आ रही है, लाइट ने परेशान नहीं किया है। तो अभी मैं ये रोटी बनाऊंगी, और उसके बाद सबसे पहले लगाऊंगी जोया के पापा का बिस्तर, और बिस्तर के बाद
फिर बाकी की रोटी बनाऊंगी और जल्दी से अंडा फ्राई करूंगी। मौसम बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया और जो है पापा जल्दी आ गए हैं, वो इस टाइम अभी नहीं आते हैं, वो लेट आते हैं लेकिन आज जल्दी तो पापा आ गए ना। तो अभी इनके मैं जा रही हूँ बिस्तर लगाने के लिए। आ गए सर, चले गए। तो अब मैं जा रही हूँ, अभी जो है पापा बिस्तर लगा दूँ फिर रोटी बनाऊंगी। मैंने गैस भी बंद कर दी है। तो मैं रोटी बना के जल्दी से आ गई बिस्तर लगाने के लिए। मैंने सोचा जो है पापा गए दूसरे गेट से कुछ और लेने के लिए, तो मैंने सोचा जल्दी से फटाफट उनका बिस्तर लगा दिया जाए। तो इसीलिए मैं कह रही थी हाउस वाइफ की लाइफ आसान नहीं होती, क्योंकि देखिए अभी रोटी बना रही थी, रोटी बना के छोड़ा तो उनका बिस्तर लगा दूं, तो ये मतलब ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी है एक महिला को कि वो सब संभाल सकती है, घर भी संभाल सकती है और घर के साथ साथ वो दोनों संभाल सकती है। घर के साथ साथ वो बाहर का भी संभाल सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, सास ससुर को भी संभाल सकती है। तो ये शक्ति महिला को ऊपर वाले ने दी है और इसका इस्तेमाल हम महिलाएं बखूबी करते हैं। हमें अगर जॉब करना है तो हम जॉब भी करते हैं और घर भी संभालते हैं, बच्चों की भी संभालते हैं। इसके अलावा माँ बाप यानी कि सास ससुर को भी संभालते हैं। और आप तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छी मतलब फैसिलिटी हो गई है कि मोबाइल के माध्यम से हम अपने मम्मी पापा अगर उनको जरूरत है तो उनको भी देख सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हाउस वाइफ की लाइफ आसान नहीं होती है और एक महिला में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत हिम्मत होती है, जो वो हर काम कर सकती है पूरे दिन में, सुबह से लेकर शाम तक वो सब कर सकती है, घर भी कर सकती है, बाहर का भी कर सकती है, खाना भी बना सकती है और बच्चों को भी संभाल सकती है। तो गाइस देखिए मैंने फटाफट जल्दी जल्दी जोया के पापा का बिस्तर लगा दिया है ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो आके और वो आराम से रेस्ट कर लें। और आज वो जल्दी आ गए हैं, उनको लग रही थी गर्मी तो वो आ गए इस वजह से जल्दी। तो गाइस आपने देखा मैं कितनी फुर्ती में बिस्तर लगा कर आई हूँ, क्योंकि जो है पापा आ गए हैं और आगे वाले गेट से आए हैं और पीछे वाले गेट से पता नहीं क्या लेने चले गए हैं। तो कुछ इस तरफ नहीं मिला होगा तो इस तरफ गए होंगे। तो फिलहाल तो वो कुछ लेने गए और इतनी देर में मैंने बिस्तर लगा दिया और इतनी तेजी से लगाया कि मैं हाँफ गई, क्योंकि उनका बिस्तर लग जाए ये भी एक बड़ा काम है। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि आज ये मुझसे आटा हो गया है पतला, तो रोटी बनाने में मुझे हो रही है दिक्कत और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं हो रही है। तो गाइस अभी तो मैं रोटी बनाती हूँ, आपसे बात करूंगी तो और टाइम लग जाएगा, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। रोटी बना ली है मैंने और आज सुबह जैसे कि हमने बनाए थे, हम घर के लिए कल चावल बच गए थे तो बहुत अच्छे से यमी टेस्टी फ्राइड राइस बनाए थे। और जो है पापा के लिए मैंने केवल 2 अंडे की अंडा करी बनाई थी ताकि एक ही टाइम वो खा ले, और दूसरे टाइम फिर मैं अब अंडा फ्राई कर रही हूँ। अंडा वैसे ही भुर्जी बना रही हूँ, सब प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च डालकर, और भुर्जी खाने के लिए सब एग्री हो गए हैं। तो मैं यही बना रही हूँ और भुर्जी अच्छी भी लगती है, और सब टमाटर हरा धनिया सब डाल के बनाओ ना तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और मेरे हाथ की भुर्जी जो है पापा को, बच्चों को, सभी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो बस मैंने सोचा कि आज भुर्जी बना ली जाए शाम को। पहले तो मैं सो गई और फिर उठी, मैंने सोचा कुछ अच्छा सा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ स्पाइसी मसाले वाला। फिर मैंने कहा छोड़ो कल तो मुझे बनाना ही है, आलू गोश्त बनाना है, तो आज अंडे की भुर्जी बना देती हूँ, ज्यादा और कुछ नहीं करती हूँ, यहाँ बना रही हूँ भुर्जी। और बाबू को लगाई है भूख, अब बाबू कह रहा है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा थोड़ी देर वेट करो। और उनको सुन के खुशी हो गई कि उनको भी अंडे की भुर्जी बहुत ज्यादा पसंद है, तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई कि मैं अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। और जो है पापा भी आ गए हैं तो आज वो खाकर नहीं गए थे, अब जब आए हैं तो लेटे हुए हैं और मैं बना रही हूँ भुर्जी। तो गर्मा गर्म पहले से बना के रख लेती तो वो अच्छी नहीं लगती ठंडी ठंडी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब वो आएंगे उसी टाइम बनाऊंगी। और आज मैं वैसे भी लेट हो गई, लेट तो क्या हो गई, लेट ही शुरू किया मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि मेरे सर में दर्द था और
तबीयत अजीब सी रहती है आजकल, एकदम फुर्तीलापन नहीं है, थकान थकान बहुत ज्यादा रहती है, तो इस वजह से हैदर बाबू बोर हो रहा है। जब बोर होता है, डेटा आ नहीं रहा है, तो मुझसे कहता है मुझे कोई काम दो। तो फिर अब मैं सोचती हूँ क्या काम दो, फिर जिद पकड़ जाता है कि नहीं मुझे काम दो काम दो। अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या काम दू। अब मैं उसे यही कह रही हूँ, कह रही हूँ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या काम दू। अब बर्तन धोने को तो कह नहीं दूंगी कि हैदर उठो और बर्तन धो। तो उठा, वैसे अगर मैं अंडे का बैठ के काम करती तो उठा दरी का काम कह देती हैदर, ये उठा दो वो उठा दो। तो फिलहाल तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा जब कुछ काम याद आएगा तो मैं आपको आवाज देके बुला लूंगी, अभी आप जाकर बैठ जाओ। तो हैदर फिर ही नहीं बैठना चाहते, या तो ड्राइंग बनाएंगे या फिर कुछ ना कुछ उनको चाहिए करने के लिए। और स्कूल भेजना था तो मैं बीमार हो गई, लोग इस वजह से उनको स्कूल भी नहीं भेज पाई, नहीं तो फिर उनको टाइम ही नहीं है। स्कूल का वर्क करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनको टाइम नहीं। अब मुझे याद आया कि नमक उठवाना है, तो फिर मैंने हैदर को आवाज दी और हैदर से कहा कि मुझे नमक उठा कर दे दो। और हैदर बहुत ज्यादा खुश हो गए कि मम्मा ने उनको एक काम दे दिया, मम्मा को एक काम याद आ गया। तो अब ये काम भी इनसे कराना आसान नहीं है ना, अगर इनसे आप कुछ उठवाओ तो फिर ये कहते मैं डालूंगा मैं दूंगा, कितनी मात्रा में देना है। तो इनका समझ में नहीं आता है, ये बहुत ज्यादा मुझे मतलब किचन में परेशान करने आ जाते हैं। अभी कह रहे थे मुझसे काम दो, अब काम कर दिए, नमक निकाल रहे हैं अपनी मात्रा के हिसाब से। फिर मैंने अपने हिसाब से निकाला क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा नमक कर दिया था, और अंडे में ज्यादा नमक हो जाए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा अंडा खिलता ही नहीं है। तो एक अंडा एक उड़द की दाल, उसमें अगर थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो जाए तो फिर खाया नहीं जाता है, बहुत बुरा लगता है। और दूसरी चीजें में तो मैनेज कर लेते हैं, और फिर तरीका भी मालूम है, अगर नमक ज्यादा हो तो एक आटे की लोई उसमें डाल दो, अगर शोरबेदार चीज है तो वो नमक उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और फैट हो जाता है। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ अंडा भुर्जी, फिर हम लोग खाएंगे खाना। तो गाइस आज हुई है अच्छी तरीके से बहुत टाइम बाद बारिश, बहुत टाइम इसलिए कह रही हूँ कि करीब 2 दिन हो गए हैं और अभी रेगुलर बारिश हो रही थी, और लेकिन नॉर्मल हुआ है मौसम। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, 2 दिन तो अच्छा रहा, 2 2.5 दिन अच्छा रहा, उसके बाद फिर एकदम गर्मी फिर होने लगी थी और बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा था। तो अच्छा हुआ बारिश हो गई, मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है, तो कूलर ही बंद है देखिए, नहीं तो पानी भी ऐसी बारिश का पानी भी गर्म गर्म हो रहा था, जिसकी वजह से गर्मी नहीं जा रही थी, लेकिन फिलहाल अभी नॉर्मल है। तो गाइज अब मैं ये नहीं कहूंगी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, चाय पीऊंगी, कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं चाय बना भी चुकी हूँ, पी भी चुकी हूँ। यहाँ आपने देखा कि मैंने अंडा अंडा फ्राई करा और आज मैं लेट हो गई थी, लेट नहीं हुई हूँ, खैर मैं अगर जल्दी भी शुरू करती तो इसी टाइम निपटती, थोड़ा इधर बैठती उधर बैठती, और अभी रेगुलर शुरू हो गई थी फिर तो खत्म करने पर निपटती हूँ, तो कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और चाय है हम लोगों ने सब पी ली, मैंने यहाँ खाना ना खाया, खाना खाने के बाद कपड़े, जब तक खाना खाया कपड़े लगाए और वो कपड़े वहां धुले, यहाँ मैंने चाय रख दी थी, तो हम लोगों ने फिर चाय भी पी ली है। अभी जोया अभी अपनी अपने सिम्बा को फिर से निकाली है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सिम्बा को निकाला था, और अभी जोया सिम्बा को फिर से निकालेंगी, उनको फिर रात में जो उनको उनको दूध देना है, अभी 8 बजे दिया था तो दूध देंगी। और गाइज सिम्बा खूब दूध पी रहे हैं बहुत, अब दूध मैं सोच रही हूँ इतने तो इतना सा दूध क्यों बच जाता है, तो वो पता चल रहा है कि सिम्बा को बच्चे निकाल निकाल के ले जा रहे हैं और दूध पिला रहे हैं, तो सिम्बा पी रहे हैं और बहुत परेशान करने लगा है सिम्बा बहुत ज्यादा। अभी देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अपना समझदार हो जाए, तो फिर जिसे लेना हो तो ले जाए या फिर अपना जहाँ जाना हो चला जाए, अभी वो छोटा है और अभी वो दूध पीता बच्चा है, तो दूध पीते बच्चे को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, और कोई उसके गार्जियन उसको लेने भी नहीं आए हैं। मुझे लगा था कोई ना कोई तो ऐसी बिल्ली होगी जो उसको लेने आएगी, लेकिन कोई भी नहीं लेने आया है। तो अब जब तक वो दूध पीता बच्चा है जब तक तो वो यहाँ रहे गई, और तो और वो तो दूध पीते ही उनका दूध रखा रहता है, तो दूसरी बिल्ली आके वो मुंह मार देती है जल्दी से, बड़ी बड़ी बिल्ली, तो उनसे भी दूध बचाना पड़ता है, नहीं तो पहले जोया हैदर भर के रख देते थे और वो लोग वो पीता रहता था अपना आराम से, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रख रहे हैं ताकि वो उसी को मिल जाए और दूसरी बिल्लियां उसमें हाथ ना मारे, तो
दुनिया भी बहुत ज्यादा बदमाश हो गई है। दुनिया एक तो उसको यह है कि उसकी मम्मी से मिलवा दें उनको, बिल्लियां मिलवा तो रही नहीं है, उल्टा उसका खाना और खा जा रही है, उसका दूध पी जा रही है। बहुत शैतान हो गया है। बस जोया हैदर का मुंह देखता रहेगा, वहां म्याओ म्याओ करता रहेगा, उसको जब भूख लगती तब करता है वो, और उसको खेलना होता है तो उधम करेगा कि चलो अब मेरे साथ खेलो, तो खेलते भी हैं ये लोग, मैंने आपको दिखाया था, और खूब खेलता है वो, बहुत ज्यादा खेलता है उसको। और अब जैसे पहले तीली पकड़ लेता था और तीली पकड़ के खेलता था, या इसका स्पेन से खेलता था, तो पहले वो जने के समझता था तो उसको ऐसे से पकड़ता था। अब वो चीजें जब पहचान जाता है, नई नई चीज होती है उसके साथ, तो खेलता है, चीजें पहचान जाता है, अरे ये तो बोर हो जाता है, तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह वो करता है। और मुझे डर लगता है, लेकिन इतना मतलब इतना डर नहीं लगता है कि एकदम भगू उसको देख के, क्योंकि वो चिपकते नहीं है। चिपकने वाले जानवरों से मुझे बहुत डर लगता है, मैं टच नहीं कर सकती हूँ किसी को, तो बस ये है। लेकिन अब ये है कि आप बाहर से मिट्टी से होके आते हैं, फिर ये डर लगता है बिस्तर स्तर ही आप बैठ पे ना चढ़े, क्योंकि वैसे तो साफ सुथरे नहला दिए, लेकिन पैर तो उनके गंदे होते हैं। और हम लोग, आपको मालूम ही है कि चप्पल बाहर उतार के फिर अंदर आना, बाहर कोई भी चीज चली आती है तो वो धुलती है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो नीचे ही घिरते रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो पूरे में वो चाहते हैं कि हम बेड पे भी चढ़ जाएं, इस पे भी चढ़ जाएं, तो इसके लिए फिर रेगुलर उनको कमरे में रहना पड़ेगा, और कमरे में हम रख नहीं पाते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है, रीजन यही है, नहीं तो उनको कमरे में रख दें। तो बस अभी तो वो आराम से अपनी जगह पर लेटे हुए हैं। अभी जो है पापा, हमने अभी अभी कहा है कि उसको दूध देना है, तो अभी मैं दूध निकाल कर रख दूंगी, तो ये लोग दे देंगे उसको दूध, तो वो दूध पी लेगा। तो ये तो हो गई थी सिम्बा की बात। अब बताऊं जोया की बात। जोया को कल रात में बहुत तेज बुखार आ गया था, करीब 3 बजे आया होगा, और फिर जोया का पापा, बहुत तेज बुखार था, फिर जोया पापा ने उसकी पट्टी रखी, उसको दवा दी, और फिर 4 बजे जोया बता रही है कि जोया सो ही है। जब जोया पापा देख लेते हैं, जोया पापा बैठे होते हैं, तो बेफिक्र रहती, मुझे मालूम है कि वो सही कर देंगे। तो जोया को बुखार, फिर जोया को सुबह मैंने देखा तो उसके पैर ठंडे हो रहे थे, लेकिन बुखार नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब वो उठी है, तो उसको बहुत तेज बुखार था, फिर मैंने उसको मेडिसिन दी और उसको पट्टी रखी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तब से बुखार नहीं आया है, जोया नॉर्मल है। मौसम ऐसा है तो उसमें सभी को बुखार आ रहा है। अभी मैंने ही 2 अंजीर ठंडे ठंडे फ्रिज से निकाल के खा लिए, तो मेरे एकदम गले में दर्द होने लगा। मुझे ठंडे ठंडे नहीं खाना चाहिए था, थोड़ा सा रख के खाना चाहिए था। मुझे हो रही थी मीठा खाने की क्रेविंग, और मैं जोया के पापा को चाय बना रही थी, और मैंने फ्रिज से निकाला 1 अंजीर खाया, तो फ्रिज से निकाला 2 अंजीर खाया, उसमें मेरा एकदम गला, भी मैं चेक कर रही हूँ तो मेरा गला एकदम दर्द होने लगा। तो मौसम ऐसा हो रहा है, थोड़ी एहतियात बरतना जरूरी है। जो हम लोग एहतियात बरत नहीं पाते हैं, तो वो हमें करना चाहिए, जैसे कि मैं लापरवाही कर गई और मैंने ठंडा ठंडा अंजीर खा लिया। सो गाइस, सारा काम हो गया है, चाय पीना नहीं है, आराम से जाके लेटूंगी। डाटा नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन आज टीवी भी नहीं देख पाई, तो अब जो ऑनलाइन सुबह नहीं देख पाई थी, अब शाम को जो टीवी प्रोग्राम आएंगे तो मैं शाम को देखूंगी, अभी रात में देखूंगी वो देखूंगी। और डाटा बता रहे हैं कि कोई लाइन आइन कट गई है, और बारिश की वजह से वो जुड़ नहीं पाई है, तो अब पता नहीं कल तक तो हर हाल में आ जाएगा, अगर लाइन कटी है तो फिर वो जल्दी सही हो जाएगा। सो गाइज, फाइनली सारा काम हो गया है, सब कर लिया है। आज मैं हो गई थी बहुत लेट, तो इस वजह से मतलब काम में मुझे डर लग रहा था कि जल्दी हो नहीं पाएगा, लेकिन काम समय पर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक्स्ट्रा काम अभी मैं जो अभी चाय पीते वक्त करती, वो भी मैंने पहले से निपटा लिया है, तो बिल्कुल आज मैं फ्री हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक हाउस वाइफ की लाइफ होती नहीं है आसान, काम तो होता है और आपको करना ही होता है। तो बस ये आप तो सभी जानते होंगे कि एक हाउस वाइफ की लाइफ आसान नहीं होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हाउस वाइफ को पूरा सब देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और डेली वही काम करना पड़ता है। उसके बाद भी हम लोग चिड़चिड़ाते नहीं है, हम लोग बोर नहीं होते हैं कि ये काम फिर से, वही काम फिर से बोलेगा, नहीं, हम लोग सुबह उठते हैं और डेली रूटीन वही काम करते हैं, और बिल्कुल भी बिना गुस्सा किए शांत होके रिपीट करते हैं। और बस अभी रात हो रही है, लेट जाएंगे सुबह उठ के, फिर वही 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 वही। लेकिन कभी कभी जरूर होता है कि क्या है, कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन वाकई में एक हाउस वाइफ की लाइफ आसान नहीं होती है, क्योंकि हाउस वाइफ को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, हर दिन एक नई चुनौती होती है, हर दिन
कुछ ना कुछ एक नया टास्क तो हाउसवाइफ के लिए आ जाता है जो करना होता है, जैसे कि बच्चे बीमार हुए या फिर कुछ नया हुआ, फिर कहीं जाना है या वो खुद बीमार हो गई, या फिर हस्बैंड की देखभाल, या फिर हस्बैंड को कुछ याद दिलाना। तो आसान नहीं होती है हाउसवाइफ की लाइफ। एक ना एक टास्क हर दिन रहता है जो हम पूरा करते हैं। तो गाइस अब ये हाउसवाइफ बिखरी हो गई है, अभी उठूंगी एक आध घंटे बाद जोया पापा के लिए एक चाय और बनाऊंगी, क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा है अब तो, इतनी गर्मी नहीं है, आराम से चाय पी सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।